हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं सज्जनगढ़ पैलेस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैं कहाँ पे रुका था, क्या रुका था, किससे रुका था। तो ये जो आप मेरे पीछे दो भाई देख रहे हो, इनमें से इनका नाम है बंटी और इनका नाम है परवीन। तो परवीन और बंटी भाई के साथ में मैं रुका था और रात में इन्होंने मेरे को खिलाया दाल और बाटी, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और इनका वो फेवरेट फूड है और इनकी साइड में ज़्यादातर चलता भी वही है। तो अभी ये कहाँ से है वो मैं आपको बता दूँ, ये है नागौर ज़िले से। तो अभी बिना ज़्यादा बकवास की हम लोग ये वाली गली से जा रहे हैं और ये जो हम लोग जिस जगह पे, वो होटल का क्या नाम था जो फेमस है, दिल पंजाबी थ्री। तो दिल पंजाबी थ्री के नाम से यहाँ पे कोई होटल वगैरह फेमस है 100 फीट रोड पे, उसके पास में अभी मैं रुका था इनके पास में। तो अभी चलते हैं सीधा, देखते हैं पैदल जाएंगे कि कैसे जाएंगे। यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर है जो सज्जनगढ़ पैलेस है वो। अभी मैं उदयपुर के बस डिपो जो है वो उस साइड में, इसके पास से जा रहा हूँ उदयपुर के सामने, और ये उदयपुर के जस्ट पास में ही है। यही है उदयपुर की मेन सिटी। यही है। तो गाइस, ये जो सिटी आप देख रहे हो ये है उदयपुर की मेन सिटी, उदयपुर। तो गाइस, फाइनली हमें ये टेम्पो वाले अंकल मिले हैं। इनके साथ आधा घंटा बहस करने के बाद फाइनली ये 1 किलोमीटर तक पीछा करते करते आए। तो इनके साथ डिस्कशन हुआ है, तीनों को हम ये लेके जा रहे हैं 100 रुपीज में। इन ओला ऊबर पे दिखा रहे हैं 160 के समथिंग। सामने आप देख रहे हो ना, ये है सूरज पोल, ये सर्किल का नाम है। ये सीन अ लॉट ऑफ चेंज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन सम थिंग्स आर नॉट द सेम एज़ दे वर अ ईयर अगो बट ऑल विल बी ओके आई एम मूव ऑन ईच एंड एवरी डे ये चेतक चौराहा ये बीच में देख सकते हो ये चेतक की स्मार्क लगाए यहाँ पे फतेह सागर लेक के पास से वो देख रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग बोट राइडिंग वगैरह कर रहे हैं वो सामने बोट जा के वहाँ से। तो फाइनली टेम्पो वाले को 100 पे करके हम लोग आ चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस के गेट पे। तो ये मेन गेट है, तभी टिकट वगैरह के चार्जेस वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये लिखे इंडियन सिटीजन 100 है और 2 व्हील्स 100 रुपीज़ चार्जेस के, और बाकी बाइक्स वगैरह के, मूवी वगैरह ये सब कुछ जो भी लिखा है सारे चार्जेस वगैरह यहाँ पे। 0 से 5 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं वो फ्री हैं। गाइस, एक चीज़ जो पता चले, यहाँ पे ये जू भी है, इस साइड में ये जू है और उस साइड से वहाँ से टिकट लेनी होती है जो वहाँ पे ना वहाँ पे, और उसमें स्टूडेंट आईडी कार्ड से आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। बट ये देखो गाइस, ये जो बायोलॉजिकल पार्क है यानी कि जू है, उसमें देख सकते हो इसके चार्जेस अलग से हैं। मतलब सामान्य जो दर्शक हैं उसके 37 रुपये, विदेशी पर्यटक के 302 रुपीज़, और ये देखो विद्यार्थियों के लिए 17 रुपये हैं। जो पीछे पुलिस वाले अंकल आप देख रहे हो ना, इनसे मैंने अभी पूछा गाड़ी वगैरह के चार्जेस, तो 106 रुपये जो है गाड़ियों के चार्जेस हैं, तो इससे बेटर तो हम लोग चले जाएं। तो अभी 4 किलोमीटर हमें पहाड़ी भी चढ़ना है। ये क्या है गाइस, मेरे को बताना आप, जो मैं खा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस, चलते चलते हम लोग पहुँच चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस। तो ये है सज्जनगढ़ पैलेस की पार्किंग जो आप पीछे देख रहे हैं, यहीं पे आपको पार्क करना होता है। फाइनली पहुँच चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस के एकदम से टॉप पे। तो ये देखो गाइस, ये है सज्जनगढ़ पैलेस, और यहाँ से पीछे देखो व्यू दिखेगा आपको एकदम से, मतलब जितने भी पैलेसेस हैं सारे के सारे यहाँ से दिख रहे हैं। पिछोला झील, फतेह सागर लेक वगैरह सब का सब कुछ दिख रहा है, और ये पूरा उदयपुर सिटी है यहाँ से लेके वहाँ तक। This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions
ये बनाया हुआ है महाराजा सज्जन सिंह ने वर्षा के बादलों पर नजर रखने के लिए जो महल है इसका निर्माण करवाया था। जो महल है इसकी नींव रखी गई थी 18 अगस्त 1883 में। तो महाराणा जो थे जिन्होंने इनका निर्माण कराया, जिन्होंने इनकी नींव रखी, वो इसको पूरा होते नहीं देख पाए थे। तो गाइस जैसे आप महल मिंटर होते हो, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने मिलेंगी कुछ तस्वीरें जिनमें ये देखो ये हुक्का पी रहे हैं और ये सामने भी कुछ लोग बैठे हैं। और इस साइड में महुआ के सिपाही बुलबुल, खेजड़ी, जंगली मुर्गा, रायन और हरी मुनिया, तेंदू, नवरंग, डंडा थोर व हरियाल के सारी जो है पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। और इस साइड में बीच में जो है ये एक स्मारक बनाया हुआ है जो महाराणा सज्जन सिंह का है। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. तो अभी मैं हूँ लेफ्ट साइड में जो आपने सिनेमेटिक्स देखे वो, और ये जो सामने देख रहे हो ये पूरा उदयपुर यहाँ से दिखता है। ये खिड़कियाँ यहाँ की महल की, यहाँ से एकदम से चिल्ड हवा आ रही है और काफ़ी आनंद आ रहा है। मतलब मन कर रहा है कि यहीं पर बस जाऊँ। अभी चलते हैं आगे और बाकी बचा कुछ एक्सप्लोर करते हैं। और ये बीच में कुछ बनाया हुआ, यहाँ पे शायद लाइटें वगैरह लगेंगी या फिर फुहारे वगैरह, कुछ ऐसा सिस्टम तो बनाया है यहाँ पे जिसमें शायद से पानी चलता है मेरे हिसाब से। तो और थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं तो ये देखो शिकार करता हुआ बंदर दिख रहा है और ये शेर। अभी हम लोग थोड़ा सा सीधा आए हैं, यानी कि पहले मैं आपको लेके गया था लेफ्ट साइड में, अभी मैं आया हूँ सीधा। तो सीधा आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगी मोर की स्मारक, ये जो है लेजर फ्लोरकन ऐसा कुछ नाम है, सॉरी मोर नहीं है, ये कुछ और ही पक्षी है। थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ इस साइड में थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये दिखेगा आपको, ये भी कोई जानवर है जो खरगोश ले रखा है इसने मुंह में शिकार करते हुए, इसकी तस्वीर दिखाई हुई है। और इस साइड में जो महल की पेंटिंग की हुई है ये दिख रही होगी। और इस साइड में है ये इंडियन रॉक पाइथन, ये सरप है। और ये राजस्थान की जैव विविधता को दर्शाया हुआ है यहाँ पे, पूरा सब कुछ इसमें दिखाया जा रहा है और राजस्थानी सॉन्ग्स चल रहे हैं। और यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको बोलते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये था हमारा सज्जनगढ़ पैलेस अंदर से। अब चलते हैं सज्जनगढ़ पैलेस के टॉप मोस्ट पीक पे आने के बाद में बाहर। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये सब के सब लोग फोटोज क्लिक करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा इस साइड में और दिखा देता हूँ, ये पूरी की पूरी भीड़ और पीछे पूरा उदयपुर सिटी जो है यहाँ से दिख जाता है। मतलब यदि एक बार में आपको एक्सप्लोर करना हो सेकंड्स में तो यहाँ पे आके आप पूरा का पूरा उदयपुर सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। तभी गाइस मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है महल, और इस साइड में आप देख रहे हो ये पूरा उदयपुर सिटी। तो यहाँ से आपको छोटा छोटा ऐसा दिख रहा होगा जैसे मैं सेटेलाइट से दिखा रहा हूँ। हाँ अभी मैं सेटेलाइट ही बन चुका हूँ इतनी हवा में आने के बाद में, और मन कर रहा है कि यहाँ छलांग लगा दूँ। मरना हुआ तो कम से कम नेचर के साथ में। वो है कुछ गाँव आपने पबजी में देखे होंगे वैसा ही सिस्टम है। अभी प्लेन आएगा मेरे को लेके जाएगा नीचे, फिर मेरे को ड्रॉप करवाएगा, फिर मेरे को M4 मिलेगी और फिर मैं सबको किल कर दूंगा एक एक घर में, सारे घर में लूट है गाइस। वो देखो वहाँ पर पोचिंग की है पीछे, वो पूरा पोचिंग की है जो पीछे दिख रहा है वो। ये है महल का साइड लुक जो आपको दिख रहा है। ये देखो कुछ लोग खिड़की से देख रहे हैं, ऐसे ही रानी देखा करती थी और मेरी जगह राजा खड़ा हुआ करता था, और फिर राजा देखता ऐसे रानी को और रानी बिल्कुल ऐसे सामने से आंखों से आंखें मिला के ऐसे देखती, जो बिल्कुल सामने मेरे ऐसा सीन हो रहा है अभी देख रहे होंगे आप लोग।